की शादी हो गई। सही है। पराई औरत पराई। अब देखो ना, हमारे देश में अभी एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। कोई एक लड़की थी, एसडीएम वगैरह बनी थी, तो उसको लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, हम बड़े पद में, तो उसने किसी बड़े अफसर से ही उसने मन बना लिया कि अब इसी के संग रहेंगे, उसी से। पर अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। देखो जी, पति कितना भी गरीब हो, पति कितना भी कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है, शादी के बाद तो आपका पति आपका भगवान है। जैसा है उसके साथ जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े पद पर हो तो अपने पति को छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा नहीं, ये गलत है। पति को नहीं छोड़ो और पत्नियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कितना भी बड़ा हो, पत्नी कितनी भी बड़ी, पर अपने रिश्तों को बनाए रखो। ये नहीं कि कल दुख में जब दुख था तब साथ साथ थे, अब सुख आया तो अलग अलग हो गए। आज जितना भी घर टूट रहे हैं ना, पराई स्त्रियों और पराई पुरुषों के चक्कर में, इसलिए ये सबसे बड़ा दीमक समाज को लगता जा रहा है। आजकल के तो नौजवान बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। आजकल तो कोई सिस्टम चला है बड़े बड़े शहरों में, लिविंग इन रिलेशनशिप का, एक साथ रहते हैं। शादी के पहले लड़का लड़की एक कमरे में रहते हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप उसका नाम दिया गया, उसमें लिविंग में रहते हैं। ऐसे लिविंग में तो हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया भी रह लेते हैं। क्यों, ये कुत्ता कुतियों वाली जिंदगी है? ये कोई संस्कारवान लोग ऐसे नहीं रहता कि किसी भी औरत के संग आप रह रहे हैं, किसी भी मर्द के संग आप रह रही हैं। ये तो कुत्ता कुतियों वाला सिस्टम है। आज इस कुत्ते के संग घूमी, कल उस कुत्ते के संग घूमी, ये तो कुतियों का काम है। और आपके भी लक्षण ऐसे ही हैं तो फिर आप भी हैं, हम क्या कहें। इसलिए संस्कार हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे संस्कार कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां शिकागो में प्रवचन था, लौटे प्रवचन करके उतरे तो एक रास्ते में सीढ़ियों पर एक सुंदर सी महिला, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कोई महिला थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। उसने ऑफर दिया स्वामी विवेकानंद जी को कि आप हमसे विवाह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं, एक बेटा आपसे मेरे द्वारा होगा तो एक विवेकानंद और होगा। स्वामी जी अवाक रह गए, क्या कह रही हो, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोला हाँ। स्वामी जी ने कहा तो मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं? तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। चरणों में गिर पड़े स्वामी विवेकानंद जी, पांव पकड़ लिया, तुम मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है भारत का। एक कोई विदेशी आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारे देश की स्त्रियां माटी हैं, हमारे देश की स्त्रियां गोल्ड हैं, सोना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक ठीक कहा तुमने, हमारे भारत देश की स्त्री ना माटी है, क्योंकि माटी की बनती है गिलास जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की बनती है गिलास जिसे गिलासी कहते हैं। सोने की बनी गिलास में कोई एक बार दूध पिए, चाय पिए, लस्सी पिए तो धुलकर दूसरा भी यूज कर सकता है, तीसरा भी यूज कर सकता है, पर माटी की गिलास में एक बार कोई चाय लस्सी दूध पी ले तो एक के मुंह पे लगने के बाद वो दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि एक बार किसी की पत्नी हो गई तो स्वप्न में वो पराए मर्द के बारे में नहीं सोचेगी। ये हमारे देश की स्त्रियों की खूबी है। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियां पाई जाती हैं, और पतिव्रता स्त्रियां ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये तो